articles in trains and taxis. I am no great delicate in such matter. टैक्सीज और ट्रेन में वस्तुओं को छोड़ देने के मामले में मैं कोई बहुत बड़ा अपराधी नहीं हूं। मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि मैं टैक्सी में या ट्रेन में कभी कोई वस्तु भूल जाता हूं, पर ऐसा अक्सर नहीं होता। बड़ा अपराधी नहीं हूं। डिलिंकेट का मतलब है अपराधी। आई कैन रिमेंबर ऑलमोस्ट एनीथिंग एक्सेप्ट बुक्स एंड वॉकिंग स्टिक्स। मैं प्रायः हर किसी चीज को याद रखता हूं सिवाय पुस्तकों के और वॉकिंग स्टिक के। एंड आई कैन ऑफन रिमेंबर इवन बुक्स। और मैं प्रायः किताबों को भी याद रख लेता हूं। किताबें भले भूल जाता हूं, पर किताबों को याद रख लेता हूं। मतलब किताबों में जो बातें मैं पढ़ता हूं वो याद रहती हैं। वॉकिंग स्टिक्स आई फाइंड इट क्वाइट इम्पॉसिबल टू कीप। वॉकिंग स्टिक टहलने वाली छड़ी को मैं पाता हूं कि इसको रखना काफी मुश्किल है, असंभव सा है, क्योंकि इसे मैं भूलता रहता हूं। I have an old-fashioned taste for them. इनको भूल जाने में या कहीं जाने पर छोड़ देने में मैं पुराना आदती हूँ। वॉकिंग स्टिक को छोड़ देना मेरी पुरानी आदतों में से है। And I buy them frequently, but no sooner do I pay a visit in a friend's house or go a journey in train, then another stick is on its way into the world of the lost. And I buy them frequently. और जब मैं इनको खरीदता हूँ अगली बार या बार बार वॉकिंग स्टिक को, but no sooner, पर देर नहीं लगती, do I pay a visit to फ्रेंड्स हाउस, जैसे ही मैं अपने किसी मित्र के घर जाता हूँ या फिर किसी यात्रा पे जाता हूँ, ट्रेन यात्रा पे जाता हूँ, तब जो नई छड़ी मैं लिया रहता हूँ, खरीदा रहता हूँ, वह भी अपने रास्ते पे होती है, जो उसको खोए हुए संसार में पहुँचा देता है। मतलब छड़ी भी, कोई नई छड़ी भी खो जाती है और वहां पहुंच जाती है जहां पे दूसरी छड़ियां पहुंच चुकी होती हैं। आई डेयर नॉट कैरी एन अम्ब्रेला फॉर फियर ऑफ लूजिंग इट। मुझे एक अम्ब्रेला या एक छाता खरीदने की हिम्मत नहीं होती, साहस नहीं होता इसके खो जाने के डर से। टू गो थ्रू लाइफ विदाउट एवर हैविंग लॉस्ट एन अम्ब्रेला हैज इवन द डीमेस्ट जॉड अम्ब्रेला कैरियर एवर अचीव्ड दिस। टू गो थ्रू लाइफ विदाउट, पूरे जीवन, टू गो थ्रू लाइफ पूरे जीवन विदाउट एवर हैविंग लॉस्ट एन अम्ब्रेला, पूरे जीवन में कभी भी एक अम्ब्रेला को खोए बिना, इवन द ग्रीमेस्ट जॉर्ड अम्ब्रेला कैरियर, यदि कोई गंभीर व्यक्ति भी होगा, गंभीर प्रकृति का व्यक्ति भी होगा, जिसे अपने हर वस्तुओं के प्रति सजग जो होता होगा, जो अपने हर वस्तुओं के बारे में सोचता होगा, उसको भी अपने पूरे जीवन में यदि एक छाता न खोया हो, नहीं हो सकता। मेरे लिए एक प्रश्न जैसा है कि गंभीर व्यक्ति भी अपने पूरे जीवन में कभी न कभी छाता खो ही जाता, छाता को भूल ही जाता है किसी प्लेस पर। फ्यू ऑफ अस हाउएवर हैव लॉस्ट मच प्रॉपर्टी ऑन आवर ट्रेवल्स थ्रू फॉरगेटफुलनेस। हम में से कुछ लोग होते हैं
जो कुछ ज्यादा ही प्रॉपर्टीज को, ज्यादा ही अपनी संपत्तियों को या अपनी वस्तुओं को यात्रा के दौरान अपने भुलक्कड़पन के कारण, फॉरगेटफुलनेस के कारण भूल जाते हैं। द ऑर्डिनरी मैन अराइव्स एट हिज डेस्टिनेशन विथ ऑल हिज बैग्स एंड ट्रंक्स से। एक साधारण आदमी या जो साधारण आदमी होते हैं वो अपने गंतव्य पर, डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं अपने सभी बैग्स और संदूकों के साथ। ट्रंक्स का मतलब है संदूक। तो एक साधारण आदमी अपने गंतव्य तक अपने बैग और संदूक के साथ पहुंच जाते हैं, सुरक्षित पहुंच जाते हैं। लेखक कहना चाहता है कि भूलने की जो आदत होती है वह असाधारण लोगों की होती है। साधारण लोग तो अपने वस्तुओं के साथ पहुंच जाते हैं। द लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स लॉस्ट इन ट्रेन ड्यूरिंग द ईयर सजेस्ट दैट इट इज द यंग रेदर देन द एडल्ट। जो खोए हुए वस्तुओं की सूची है उसको देखकर वो सूची बताती है कि ये जो भूलने की आदत है वो नौजवान लोगों में, युवाओं में अधिक है तुलनात्मक रूप से वयस्कों की। जो जो वस्तुओं को खोते हैं, भूल जाते हैं, उनमें युवाओं की संख्या कहीं ज्यादा है, ऐसा वस्तुओं की सूची को देखकर पता चलता है। एंड दैट स्पोर्टमैन हैव वर्स मेमोरीज। और जो स्पोर्टमैन होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उनकी जो याददाश्त होती है अत्यधिक खराब होती है देन देयर ऑर्डिनरी सीरियस माइंडेड फेलो। तुलनात्मक रूप से अपने साधारण साथियों के, जो कि गंभीर प्रकृति के होते हैं, सीरियस माइंडेड होते हैं। ए कंसिडरेबल नंबर ऑफ फुटबॉल्स एंड क्रिकेट बैट। फुटबॉल और क्रिकेट बैट की एक अच्छी संख्या, बड़ी संख्या, कंसिडरेबल मतलब बड़ा, फुटबॉल और क्रिकेट बैट की एक बड़ी संख्या, फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए है, जो भूल गए, जिनको भुला दिया गया, रास्ते में छोड़ दिया गया, वे आर फॉरगॉटन, जो भूली वस्तुओं की सूची में है। दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड फॉर बॉय रिटर्निंग फ्रॉम द गेम्स। यह समझना आसान होता है कि एक लड़का जो गेम के बाद, खेल के बाद लौट रहा होता हैव देयर इमेजिनेशन स्टिल फिल्ड विथ ए विजन ऑफ द प्लेइंग फील्ड एंड देयर हेड्स आर एमोंग द स्टार्स आर देयर हर्ट इन देयर बूट्स। एक लड़का जो खेल के बाद लौट रहा होता है, उसकी कल्पनाओं में, उसके दिमाग में कल्पनाएं भरी होती हैं। विजन, कल्पनाएं जो होती हैं वो, विजन का मतलब होता है स्वप्न। उसके दिमाग में स्वप्न या कल्पनाएं भरी होती हैं और यह संबंधित होता है प्लेइंग फील्ड के, खेल के मैदान से संबंधित दृश्य या सपने उसके दिमाग में भरे होते हैं, जिसमें वो लड़का पा रहा होता है कि उसका जो सिर है, सिर से मतलब है कि वह अपने आप को स्टार के बीच में पा रहा होता है। अगर क्रिकेट का खिलाड़ी है तो उसको लगता है कि आज के जो स्टार हैं जैसे विराट कोहली वगैरह वगैरह, तो उनके बीच वह अपने को पा रहा होता है। या फिर आर देयर हर्ट्स इन देयर बूट्स, या फिर वो अल्प उत्साह में होता है, निराश होता है। आर देयर हर्ट्स इन देयर बूट्स का अर्थ है निरुत्साह या अल्प उत्साह। एज दे रिकॉल देयर एक्सप्लॉइट आर देयर एरर। और ये लड़के जो खेल के मैदान से लौट रहे होते हैं वो अपनी यादों में अपनी उपलब्धियों और त्रुटियों को याद कर रहे होते हैं। एक्सप्लॉइट का अर्थ है उपलब्धियां और एरर का अर्थ है त्रुटियां। तो खेल के मैदान से लौट रहे लड़के के दिमाग में, उसकी यादों में उसकी उपलब्धियां या उसकी त्रुटियां घूम रही होती हैं कि उसने कैसा खेला, कितने रन बनाए, कितने चौके छक्के लगाए या किस गलती के कारण आउट हो गया। दे आर एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड आउटसाइड देम। और वे लोग बाहरी संसार से अलग होते हैं, अपने विचारों में होते हैं। मेमोरी प्रिवेंट देम
from remembering to do small project things as take the ball or the bat with them when they leave the train. ये जो यादें होती हैं उनको यह याद रखने से रोकती हैं जब वे ट्रेन से उतर रहे होते हैं कि उनको बैट या फुटबॉल या इस तरह की जो नीरस वस्तुएं हैं उनको लेके उतरना है. प्रोजेक्ट का मतलब होता है नीरस या कम महत्वपूर्ण. तो ऐसे लड़के की जो यादें होती हैं वो रोक देती हैं इस चीज़ को याद रखने के लिए कि जब वे ट्रेन से उतर रहे होते हैं तो उन्हें बैट ले लेना है, बॉल ले लेनी है या इस तरह की जो नीरस या कम महत्वपूर्ण महत्व की चीज़ें हैं उनको ले लेना है. मतलब यादें ही याददाश्त को रोकती हैं. फॉर द रेस्ट ऑफ डे दे आर सिटीजन ऑफ ड्रीमलैंड. फॉर द रेस्ट ऑफ डे मतलब जो बचा हुआ दिन होता है उस बचे हुए दिन में वे ड्रीमलैंड मतलब स्वप्नलोक के नागरिक होते हैं. सिटीजन का मतलब नागरिक. ये लड़के बाकी बचे हुए दिन में स्वप्नलोक के नागरिक होते हैं. द सेम मे बी सेड नो डाउट ऑफ एंजलर हु फॉरगेट देयर फिशिंग रॉड. ऐसा ही कुछ कहा जा सकता है एंजलर्स के बारे में. एंजलर्स मतलब मछली पकड़ने वाले. तो मछली पकड़ने वाले के बारे में भी ऐसा कुछ कहा जा सकता है जो अपना फिशिंग रॉड मछली पकड़ने वाली जो रॉड होती है उसको ही भूल जाते हैं क्योंकि ये लोग भी कल्पनाशील होते हैं. एंजलर्स आर जनरली सेड एंजलर्स के लिए प्रायः कहा जाता है आई डू नॉट नो विथ व्हाट जस्टिफिकेशन. पर ऐसा कहने का मेरे पास कोई तर्क नहीं है. जस्टिफिकेशन का अर्थ होता है तर्क. पर ऐसा कहने का मेरे पास कोई विशेष तर्क या कारण नहीं है. टू बी द मोस्ट इमेजिनेटिव ऑफ मैन जो मैं मछुआरों को या मछली पकड़ने वालों को कल्पनाशील मानता हूँ ऐसा कहने का मेरे पास पर्याप्त कारण या तर्क नहीं है. एंड द मैन हु इज इन्वेंटिंग मैग्निफिसेंट लाइज ऑन द जर्नी टू होम आफ्टर ए डे फिशिंग. एक आदमी दिन भर की फिशिंग के बाद मछली पकड़ने के बाद जब घर लौट रहा होता है तो मैग्निफिसेंट लाइज. मैग्निफिकेंट लाइज का मतलब है कल्पनाओं को भव्य बना रहा होता है या कल्पनाओं में खोज रहा होता है कुछ. इसको कहने के लिए मेरे पास पर्याप्त तर्क तो नहीं है लेकिन ऐसा मैं कहता हूँ. इज बाउंड टू बी ए लिटिल अपसेट माइंडेड इन हिज बिहेवियर. वो बाध्य हो जाता है अपने व्यवहार में थोड़ा सा भुलक्कड़पन पाने के लिए क्योंकि वो कल्पनाओं में खोया हुआ होता है. तो उसके व्यवहार में ऐसा दिखता है कि वो थोड़ा अपसेट माइंडेड है, कुछ भूलने वाली प्रवृत्ति का है. द फिशिंग रॉड ऑफ रियलिटी इज फॉरगॉटन बाय हिम एज डे ड्रीम ओवर द फियर ऑफ द फिशिंग रॉड ऑफ उटोपिया. उटोपिया का अर्थ होता है काल्पनिक जगत और द फिशिंग रॉड ऑफ रियलिटी इज फॉरगेटन बाय हिम. जो फिशिंग रॉड थी उस मछुआरे के द्वारा भूल दी गई या छोड़ दी गई. एस ही डे ड्रीम्स. और इसका कारण था कि उसका जो दीवा स्वप्न था वो दिन में जो कल्पनाएं करता था इस कारण से ओवर द फियर ऑफ फिशिंग रॉड ऑफ उटोपिया. और यह भय और काल्पनिक जगत में फिशिंग रॉड ओवर द फियर ऑफ द फिशिंग रॉड ऑफ उटोपिया. तो काल्पनिक जगत में रहने के कारण दीवा स्वप्न देखने के कारण वास्तव में एक मछुआरा अपनी फिशिंग रॉड को भूल जाता है. His loss of memory is really a tribute to the intensity of his enjoyment in thinking about his day's sport. His loss of memory, उसने जो उसकी जो यादें या याददाश्त है उसमें जो नुकसान हुआ है जो अपने
जी अपनी वस्तुओं को याद नहीं कर पाया है, यह इस कारण से हुआ है कि उसका जो दिन भर का स्पोर्ट था, दिन भर जो खेल खेला था, उसको सोचने में जो उसको एंजॉयमेंट या रस मिल रहा था, उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता को बढ़ाने के लिए श्रद्धांजलि में चला गया। एक लड़का जो खेल से लौट रहा होता है और अपने खेल को याद करके जो रस पा रहा होता है और उसको यादों को और गहरा करके और तीव्र करके अपने एंजॉयमेंट को बढ़ा रहा होता है, तो इसके लिए उसकी जो यादें होती हैं, उसकी वस्तुओं को याद रखने की एक श्रद्धांजलि ऐसी होती है कि इन यादों का रस लेने में उसकी वस्तुएं न्यौछावर हो गई। ही मे फॉरगेट हिज फिशिंग रॉड, वो अपने फिशिंग रॉड भूल जाता है। मछुआरा भी अपने कल्पनाओं में रहता है कि आज इतनी मछली पकड़ लिए या वहां से इतना मछली पकड़ लिए। एज द पोएट मे फॉरगेट टू पोस्ट ए लेटर, ठीक वैसे ऐसे ही एक पोएट या कवि लेटर को पोस्ट करना भूल जाता है, बिकॉज हिज माइंड इज फिल्ड विद मोर ग्लोरियस मैटर, क्योंकि उसका जो दिमाग होता है वो कुछ ज्यादा ही ऊंचे स्तर के विषयों से भरा होता है। ग्लोरियस मैटर मतलब ऊंचे स्तर के विषय। तो एक पोएट या कवि या एक मछुआरा या एक स्पोर्ट पर्सन जो भूल जाता है, भूलना उसकी प्रवृत्ति जैसी होती है, तो ऐसा इसलिए होता है कि उसकी जो यादें होती हैं या उसके दिमाग जो होता है उसमें कहीं ऊंचे स्तर के विषय चल रहे होते हैं। अब्सेंट माइंडनेस ऑफ दिस काइंड सीम्स टू मी, और ये जो अब्सेंट माइंडनेस है, भुलक्कड़पन की आदत है, और इस वो आदत जो दिमाग में ऊंचे स्तर के विचारों के कारण होती है, वह मेरे में पाई जाती है, ऐसा मुझे लगता है। ऑल बट ए वर्चू, और कुल मिला के यह मुझे एक गुण जैसा ही लगता है। जो मेरी भुलक्कड़पन है उसे मैं अपना दोष नहीं मानता, अपना गुण मानता हूँ, क्योंकि अगर मैं अब्सेंट माइंडेड रहता हूं तो इसलिए रहता हूं कि मेरे दिमाग में ऊंचे स्तर के विचार चल रहे होते हैं। द टाइम टू रिमेंबर द मीडियोकर, द अब्सेंट माइंडेड मैन इज ऑफन ए मैन हु इज मेकिंग द बेस्ट ऑफ लाइफ। ये जो अब्सेंट माइंडेड लोग होते हैं, भुलक्कड़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ये प्रायः अपनी लाइफ का बेहतर कर रहे होते हैं। एंड देयर फोर, और इस कारण से हैज नो टाइम टू रिमेंबर देयर मीडियोकर, और इसी कारण से उनके पास मीडियोकर या औसत दर्जे की यादों को रखने के लिए समय ही नहीं होता। हु वुड हैव ट्रस्टेड सुकरात अल्कोलरेज टू पोस्ट ए लेटर। सुकरात एक दार्शनिक थे यूनान के, और कोलरिज एक पोएट थे इंग्लैंड के, महान लोगों में से थे। तो कौन यह विश्वास करेगा कि ये लोग, ये महान लोग लेटर पोस्ट करना नहीं भूलते थे, क्योंकि माना जाता है कि जो दार्शनिक होते हैं या कवि होते हैं इनमें भुलक्कड़पन की आदत ज्यादा होती है। तो इसलिए नहीं कि इनका जो ब्रेन है, जो दिमाग है, वो कमजोर होता है, बल्कि इनका दिमाग ऊंचे स्तर के विचारों में खोया रहता है। दे हैड सूल एबव सच थिंग्स, और इन लोगों की जो आत्मा होती है इन छोटी चीजों से कहीं ऊपर होती है।